नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली एमए वाली डिग्री दिखा दी थी, यानी साबित कर दिया था कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नेता हैं। उसके बावजूद पहले काजोल को इस बात पर ट्रोल किया गया, जब काजोल ने कहा कि देश में पढ़े लिखे नेताओं को चुनना चाहिए, तो मोदी समर्थकों को बुरा लग गया। और अब अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान को ट्रोल किया जा रहा है। करण सांगवान ने क्या कहा, जरा वीडियो में आपको दिखाता हूं, जिसके बाद उन्हें मोदी समर्थक लगातार ट्रोल कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो बीजेपी समर्थकों को कितना बुरा लग गया, ये देखिए। लगातार इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं बीजेपी समर्थक और अनअकैडमी से सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसे ममता केजरीवाल या राहुल के बारे में बोला जाता तो क्या चलता क्या। ये अनअकैडमी को संबोधित करके कहा जा रहा है कि ये शर्मनाक है कि टीचर कह रहा है कि डोंट वोट फॉर मोदी, यानी मोदी को वोट मत करिए, जबकि करण सांगवान ने कहीं भी पीएम मोदी का नाम नहीं लिया। तो जब करण सांगवान ने यह कहा कि पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट करना अगले चुनाव में, तो आखिरकार बीजेपी समर्थकों ने इसे पीएम मोदी से क्यों जोड़ दिया। ये कुछ और ट्वीट में आपको दिखाता हूं। ये एलविश यादव की सपोर्ट में ये आर्मी है, और एलविश यादव भी चूंकि मोदी समर्थक माने जाते हैं, तो एलविश आर्मी को भी बुरा लग गया। उनके ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि अगली बार किसी पढ़े लिखे टीचर के पास से ही पढ़े। ऑनलाइन में कोई भी टीचर बन जाता है, पता नहीं चलता कि पॉलिटिकल एजेंट है या टीचर, यानी पॉलिटिकल एजेंट बता रहे हैं करण सांगवान को मोदी जी के समर्थक एलविश यादव आर्मी वाले। आखिरकार करण सांगवान की बात को मोदी समर्थकों ने दिल पर क्यों ले लिया। दोस्तों, एक बात जो सवाल उठाया है मोदी समर्थकों ने कि ऐसा राहुल ममता के बारे में बोला जाता तो क्या चलता। देश में सरकारी पद पर बैठे अनेकों ऐसे अधिकारी हैं, अनेकों ऐसे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, जो सरेआम मोदी जी का समर्थन करते आए हैं। इसमें कोई छुपी बात नहीं है, खुलेआम समर्थन करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब कोई सरकार के बारे में कटाक्ष कर दे, हालांकि मैं मानता हूं कि करण सांगवान ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं लिया। जब नाम नहीं लिया तो इस तरह ट्रोल भी नहीं करना चाहिए। सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों में मोदी समर्थकों की कमी नहीं है, जो खुलकर मोदी सरकार का समर्थन करते हैं, खुलकर मोदी जी के लिए वोट भी मांगने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों की भी कोई कमी नहीं है, तो एकाध आलोचना को भी बर्दाश्त करना चाहिए। अब मोदी जी के समर्थक, अंधभक्त, अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान की नौकरी खाने पर तुल गए हैं। आप जरा सी बात पर इतना बुरा लगने पर और एक टीचर की ऐसी ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।